नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान पे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है किसी को भी अपने वश में कैसे करें। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा ऐसे टोटके को बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको वीडियो में बताया गया टोटका उपाय बिल्कुल आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको टोटका हम बताएंगे उसके जरिए आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी हो, इस टोटके को कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे देखा जाता है कि लोग वशीकरण मंत्र का प्रयोग तब करते हैं जब वे हर जगह से निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, वशीकरण मंत्र कोई गलत नहीं होता, लोगों की सोच गलत होती है। अगर वशीकरण मंत्र का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको अपने से दूर कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, अपने कहे अनुसार चला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका प्यार आपसे दूर हो गया है तो आप उसको वापस पाने के लिए इस मंत्र का, इस टोटके का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरफा प्यार हो तब भी किसी को वश में कारण का मंत्र हिंदी में प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, दुनिया में देखा जाता है कि एक तरफा प्यार भी बहुत होता है। कोई किसी से प्यार करता है, वो उससे प्यार नहीं करता, वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपको एक मौका मिलेगा जिसके जरिए आप एक तरफे प्यार को अपना बना सकते हैं। यदि किसी से आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं और वो किसी बुरे प्रभाव में है या किसी और के चक्कर में है तो दोस्तों, आप इस वशीकरण टोटके की सहायता से उसको अपने वश में कर सकते हैं, पति और पत्नी की अनबन को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, देखा जाता है कि आज हर घर में शादीशुदा जिंदगी में भी पति और पत्नी के बीच अनबन होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिसका बुरा प्रभाव बच्चों पर भी देखने को पड़ता है। तो दोस्तों, चिंता न करें, आज आप बिल्कुल सही जगह पर हो, सही वीडियो पर हो जहां आप अपने अनबन दूर कर सकते हैं। जब तलाक की नौबत आती है तो दोस्तों, केस अदालत तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, चिंता न करें, आप इस टोटके की मदद से अपने तलाक की नौबत को भी बिल्कुल आसानी से दूर कर सकते हैं, दूर विदेश में रहने वाले को आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों, कई बार होता है कि हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं मगर वो दूर विदेश में रहता है। तो दोस्तों, चिंता न करें, कोई भी इंसान कितने ही दूर क्यों ना हो, इस टोटके का प्रयोग करके आप उसको अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप से कोई पैसे उधार में ले लेता है और बाद में आपको नहीं देता। इस टोटके का प्रयोग आप करके उसको अपने वश में करके अपने पैसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं टोटके के बारे में। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए और थोड़ा सा पानी। लगातार इस मंत्र को 7 दिन तक 7 पान के पत्तों के ऊपर आपको पढ़ना है। अगले दिन यानी कि शुक्रवार को थोड़े से सिंदूर को थोड़े से पानी में मिला लें, फिर उस सिंदूर से उस इंसान का नाम लिखें उस पान के पत्ते पर जिसको आप वश में करना चाहते हैं। उस पान के पत्ते को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की दिशा में 21 बार घुमाएं और घुमाने के बाद उसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दें।
दोस्तों लगातार 7 दिन तक यह टोटका करें और 8वें दिन उस इंसान के सामने जाएं जिसको आप वश में करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप उस इंसान के सामने नहीं जा सकते तो आप उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, इससे भी वो आपके वश में हो जाएगा। तो दोस्तों वशीकरण मंत्र आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या हमारे पंडित जी से कॉल करके ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में बताया गया टोटका करने में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लेकिन दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, टोटका करने से पहले एक बार हमारे पंडित जी से ज़रूर सलाह करें, जो आपको इससे जुड़ी जानकारी बिल्कुल फ्री में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी ज़रूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।